वेलकम टू माई न्यू व्लॉग गाइस। अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, तैयार नहीं मतलब अभी सिर्फ नहाई धोई हूँ, और आज से मैंने अपने व्लॉग की दोबारा से शुरुआत करी है। अभी फ़िलहाल निष्ठा को उठाने का टाइम है, तो निष्ठा स्कूल के लिए रेडी होगी। गुड मॉर्निंग निष्ठा, स्कूल जाना है? हाँ? स्कूल जाना है, खड़े हो जाओ फटाफट मेकअप। तो गाइस आपको साथ में फिलहाल एक छोटा सा बच्चा और नज़र आ रहा होगा, इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया थी, मैं आके बताऊंगी। फिलहाल निष्ठा को स्कूल के लिए रेडी करते हैं, कमरा बहुत बेकार हो रखा है, और अभी मैं भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी वो। तो गाइस यहाँ हम तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए निष्ठा के, और निष्ठा भी तैयार है। से हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल। तो गाइस निष्ठा फिलहाल बहुत बड़ी हो गई है, तो अभी सुबह के सिर्फ 7:30 बज रहे हैं, तो फटाफट इसको स्कूल छोड़ा है। स्कूल बैग मैम का तैयार है, टिफ़न है, और अभी हम फिलहाल निष्ठा को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। स्कूल छोड़ने में खुद जाती हूँ निष्ठा को, तो लेट नहीं करती हूँ। गाइस मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा कि मैं अभी निष्ठा को छोड़ कर ही आई थी, और आँख की मैं सो गई किसी रीज़न की वजह से, और थोड़ी देर पहले मेरी आँख खुली थी, तो फटाफट देखा निष्ठा को लेकर आने का टाइम हो गया है। फटाफट मैं निष्ठा को लेकर आई हूँ, और निष्ठा भी स्कूल से आ चुकी है। तो गाइस ये अभी तक साफ नहीं बोलती है, ये ऑलमोस्ट 4 साल की होने वाली है, और आज भी आप लोगों को एक पर्सन से और एक नए मेहमान से और मिलवाना है। बहुत मतलब मुझे लगता है मेरी YouTube फैमिली में 50% लोग जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, और 50% शायद नहीं भी जानते होंगे। तो अभी बीच जितना भी टाइम मेरा गया है, 1-1.5 साल जो निकला है मेरा, उस बीच में मेरे पास एक छोटा सा नया मेहमान और आया है। मेरे पास एक डॉटर और है, यानी मेरी एक छोटी सी बेटी और है जिसका नाम तनिषा है, और अभी मैं उससे भी मिलवाऊंगी। वो निष्ठा की तरह बहुत क्यूट है, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी वो। तो उसके साथ रह के मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सब चीज़ें इकट्ठी मैनेज कर पाऊँ, घर का काम, उसको, निष्ठा को, तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। लेकिन अब फिर मुझे सबने मोटिवेट किया कि दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने दोबारा से स्टार्ट की है, और आई होप आप लोग मुझे दोबारा से इतना ही सपोर्ट देंगे और उससे डबल सपोर्ट देंगे, तो थैंक यू। और अभी मैं आपको उससे भी मिलवाती हूँ, अभी वो इधर नीचे गई हुई है, अभी आएगी उसको नहला के फिर मैं आपसे पक्का मिलवाऊँगा। कि आज मुझे ये घर आई और मुझे बोली कि मेरे को कपड़े ना सारे बहुत टाइट हो गए हैं, मुझे ना लूज कपड़े पहनाए करो। मैंने कहा अच्छा, मैं समझी नहीं थी इसने क्यों बोला ऐसा, तो फटाफट बैग लेकर आई, और बैग में से अपनी यूनिफॉर्म निकाली, मुझे कहती मम्मा गाइस को तो दिखाओ मेरी यूनिफॉर्म। तो इसको गाइस को दिखाने का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है देखने से। मैं जितनी कैमरा शाय हूँ, मुझे जितना कैमरा पसंद नहीं था उतना ही इसको कैमरा पसंद है, और मुझे तो लगता है कि कुछ टाइम बाद मेरी वजह यही व्लॉगिंग करती हुई नजर आएगी सबको। फैमिली अब भी निष्ठा सो रही है, आज थोड़ी सी लेट हो गई थी तो सुबह नहा के नहीं गई थी, तो फिर आके नहाई है, अभी नहाते सो गई है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती है तो बेचारी की नींद पूरी नहीं होती है। और ये है कुहू जिससे मुझे आप लोगों को मिलवाना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बेचारी नहा के सो गई है। अभी परसों इसका बर्थडे निकला है, 1 साल की हो चुकी है ये, और दोनों ने ही सेम ड्रेस पहनी आज। अभी फ़िलहाल दोनों सो रहे हैं, देखो कब तक उठेंगे, और उठेगी तो तब पक्का मैं आपसे मिलवाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना क्यूट है ना ये, बहुत क्यूट है यार। अच्छा निष्ठा आप क्या कर रहे हो? ये व्यू देखो, अभी सनसेट होगा बढ़िया। ये दोनों बच्चे हमारे परेशान करते रहते हैं।
आराम से डालो। बेटा ऐसे तो सारे पानी एक ही पेड़ में डाल दोगे तुम इसमें अभी बाल्टी में डल जाती। अभी और चाय का टाइम, चाय पियेंगे बढ़िया सी, फिर देखते हैं मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। एक तो निष्ठा के स्कूल के जूते लेके आने हैं और तन्नु के भी, तान्या के भी हाथ में दर्द है काफ़ी दिन से, उसको भी डॉक्टर को दिखा के लाएंगे। और बच्चे पेड़ों में पानी अभी तक दे ही रहे हैं, दो बाल्टी दे चुके हैं, कंटिन्यू देते जा रहे हैं। और अभी सनसेट भी होएगा, बढ़िया नज़ारा आता है छत से। अभी दिखाता हूँ देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। तुम्हारा पानी हुआ नहीं अभी तक? हाँ आधा तो तुमने जमीन पे गिर दिया, आधा पानी तो जमीन पे गिर दिया तुमने, पेड़ों में डालते क्यों? क्या कुकू ये देखो नज़ारा देखो तुम, इस टाइम जो नज़ारा होता ना गांव में, गांव के नज़ारे अलग है, ठंड ठंडी हवा। शैतानी कर रहे हैं दोनों बहनें। वेल अभी हम जा रहे हैं मार्केट निष्ठा की यूनिफॉर्म के लिए, शूज लेने के लिए, जो घर पर थे वो छोटे हो गए थे। आज हम लोग, मौसम अच्छा हो रहा था तो हम लोगों ने सोचा गाड़ी की बजाय अगर हम स्कूटी पर चले तो। निष्ठा आगे खड़ी हुई है, पापा उसके स्कूटी चला रहे हैं, कुकू ये बीच में बैठी हुई है और मैं फिलहाल पीछे फ़ोन पकड़ के बैठी हुई हूँ और व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ। अभी फटाफट रात भी होने वाली है, टाइम शाम के 7 बज रहे हैं। तो आज काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बनाया है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस था वो भी थोड़ा सा लो हो गया। तो एक दो वीडियो तो मुझे लगता है ऐसे ही आएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। निश्चय ले लिया शूज, दिखाओ क्या लिया आपने, कहाँ से लिए? हाँ लेडीज से एक बार मार्केट आ जाए फिर तो शॉपिंग स्टार्ट हो जाते हैं इनके। वेल गाइस अभी हम मंदिर आए हैं, बाहर निकले थे तो सोचा मंदिर भी हुआ है, तो हमारे घर के पास है ये मंदिर, बहुत ही बड़ा मंदिर है। मैं और कुहू भी ये रहे मुझे घूम कर आ चुके हैं और निष्ठा अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है, अब मैं भी खाना बनाने के लिए जाऊंगी और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कोई भी गलती हो या कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कल मिलते हैं, बाय बाय।